किसी के फाइनल में हमारी बुरी तरीके से हार का हमें सामना करना पड़ा है। और एंडी रॉबर्ट्स साहब ने, एंडी रॉबर्ट्स ने एक बहुत बड़ा बयान दिया है टीम इंडिया के बारे में। सबसे पहले उसके ऊपर चलते हैं। ये देखिए, एरोगेंस हैज क्रैप्ड इनटू इंडियन क्रिकेट। अब एंडी रॉबर्ट्स सर जो हैं, सर एंडी रॉबर्ट्स, वो बोल रहे हैं कि जो एरोगेंस टीम इंडिया में आ गई है, टीम इंडिया को में एटीट्यूड इतना आ गया है, टीम इंडिया जो है वो हर चीज़ को लाइटली लेने लगते हैं। अभी मोहम्मद कैफ साहब ने भी कल परसों बोल दिया था कि भाई आपसे फील्डिंग नहीं हो रही, आपकी वो जो लेजी अप्रोच है उस सब के बारे में है ना, आप फील्डिंग सही से नहीं कर पा रहे। लेकिन WTC फाइनल हार जाने के बाद ये बातें जो है वो सर एंडी रॉबर्ट्स ने बोली हैं, और पूरा बयान क्या है वो आपको मैं एक बार जो है वो पढ़ के बता देता हूँ कि किस कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने ये बातें कही, और उसके बारे में फिर हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। देखिए, एंडी रॉबर्ट्स बोल रहे हैं, देयर इज दिस एरोगेंस विच हैज क्रैप्ट इनटू इंडियन क्रिकेट एंड थ्रू दिस इंडिया हैव अंडरएस्टिमेटेड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। यानी कि हमने तो सामने वाली टीमों को समझा ही नहीं, अंडरएस्टिमेट किया है। इंडिया मस्ट डिसाइड व्हाट देयर फोकस इज, टेस्ट क्रिकेट और लिमिटेड ओवर्स क्रिकेट। T20 क्रिकेट विल रन इट्स रन, ऑफकोर्स देयर इज नो कॉन्टेस्ट बिटवीन बैट एंड बॉल देयर। एंडी रॉबर्ट्स साहब ने यही बोला है कि पहले देखो हमने हर किसी को अंडर एस्टिमेट किया है दुनिया में, है ना, कि हमारे सामने कोई टीम नहीं है। क्योंकि आप देखो टीम इंडिया की अगर आप रैंकिंग्स भी उठाकर देख लें तो हर जगह हमारी टॉप की रैंकिंग्स रही है, हर जगह हम टॉप पर विराजमान हैं। और हमारी परफॉर्मेंसेज आप देख लें, बायलेटरल्स देख लें, WTC दो लगातार WTC फाइनल हमने खेले, जीत नहीं पाए, लेकिन कोई भी टीम हमसे घर में आके नहीं जीती, हमने बाहर जाकर टीमों को जो है वो हराया है। भले ही हम साउथ अफ्रीका एक नहीं जीत पाए, पिछली साइकिल में न्यूजीलैंड हम खेलने गए थे, न्यूजीलैंड में भी हमें हार झेलनी पड़ी थी। लेकिन एंडी रॉबर्ट्स यही बोल रहे हैं कि पांडे जी एरोगेंस ने पूरी तरीके से जकड़ लिया। बेसिकली लीजेंड, मतलब लीजेंड वेस्ट इंडीज के, मतलब उस टाइम के, मतलब लीजेंड तेज गेंदबाज सर एंडी रॉबर्ट्स ने साफ ये बोल दिया है कि इंडियन टीम घमंडी हो चुकी है, एरोगेंट हो चुकी है, अपने आप को बहुत बड़ा तुर्रम खान समझती है। कि जिस तरीके से वो क्रिकेट को अप्रोच कर रही है हाल के दिनों में, वो अपने आप को समझती है, मतलब दूसरी टीमों को अपने सामने बिल्कुल भी नहीं समझती कि हम बहुत ऊपर हैं और बाकी टीमें हमसे बहुत, और बोल रहे हैं कि देखो फोकस भी नहीं है, और फोकस पहले नहीं फोकस है। रखें एक जगह आप के फोकस हो जाए आपके, आप टेस्ट फॉर्मेट में खेलना चाहते हो, अच्छा T20 में अच्छा खेलना चाहते हो, ODI में अच्छा खेलना चाहते हो, थोड़ा फोकसलेस लग रही है ना, आप हर जगह हाथ पैर मार रहे हो। अब देखो आप बाकी की टीमें अगर आप देखें ना उठा के, उसमें एक एक एंगल ये भी है कि सबने अपने अपने अपनी फॉर्मेट्स के लिए अलग अलग टीमें बना रखी हैं। इंडिया में अभी भी यही है कि एक प्लेयर तीनों फॉर्मेट खेले जा रहा है ना, चार प्लेयर जो है सारे फॉर्मेट खेल रहे हैं, T20 भी खेल रहे हैं, ODI भी खेल रहे हैं। आप जड्डू को देख लें, T20 में है, ODI में है, टेस्ट में है, विराट T20 ODI टेस्ट, रोहित T20 ODI टेस्ट, KL राहुल तो अब तो, हालांकि बाद में जब लोगों ने कह कह के BCCI का जीना आराम कर दिया कि भाई KL राहुल को निकालो, सर प्लीज KL राहुल को जाने दीजिए, नहीं हो रहा उनसे, तब जाकर हमने KL राहुल को छोड़ा, वरना ले देके हमारे सारे प्लेयर्स सारे फॉर्मेट खेल रहे हैं, है ना। और ये बात बिल्कुल जायज है सर एंडी रॉबर्ट्स की कि भाई आपका फोकस रखो ना, आपने टेस्ट क्रिकेट में कैसा खेलना है, आपने ODI में खेलना है, आपकी अप्रोच क्या होने वाली है, ले देके कॉन्जर्वेटिव अप्रोच जो है वो हम हर फॉर्मेट में देख लेते हैं। आपके WTC फाइनल में क्या हुआ, आप ये जो WTC फाइनल खेले हैं इसमें आपने देखे 15 मिनट के लिए बादल हैं, है ना, आधे घंटे के बादल हैं जी, हमसे तो बैटिंग होनी नहीं है, हम जो है ले आते हैं, आइए आप बैटिंग कर लीजिए, हमारे बोलर्स जो है शामी भाई, सिराज भाई, शुरुआत में स्विंग मिल जाएगी तो विकेट्स ले देंगे, शुरुआत में स्विंग मिली उन्होंने विकेट ले लिया। मतलब आपके कप्तान और मैनेजमेंट जो लोग हैं उनका ही रहा होगा, और खासकर जो आपके बल्लेबाज हैं, जो जिन्हें बल्लेबाजी करनी थी उस दिन, शायद ये एक प्रॉपर ग्रुप का ये डिसीजन रहा होगा कि आज इस दिन पर हम, चूंकि घास है थोड़ी सी क्लाउडी है तो हम पहले गेंदबाजी कर लेते हैं, सामने वाली टीम को हम पकड़ लेंगे। लेकिन अब जिस तरीके से शायद इंडिया ने बल्लेबाजी की पहली पारी में, अब शायद उन्होंने अगर वो फैसला लिया तो अब लगता है कि शायद सही लिया होगा, कि मतलब अगर वो पहले दिन बल्लेबाजी करने उतरते तो मतलब उनकी बैटिंग फिर तो आप 10 या 15 पे 3 तो बेसिकली मैं यही है कि मुझे ऐसा लगता है कि ये जो एंडी रॉबर्ट सर ने जो बयान दिया है कि इंडियन टीम बयान को रहने दे, हाँ उस बयान को आप रहने दे वहीं पर, कि जो बयान दिया यहाँ पे कि एरोगेंस हैज क्रेप्ट इनटू इंडियन क्रिकेट, कहीं ना कहीं सही भी है कि एक हद तक सही है, कि मतलब थोड़ा सा ये है कि हम बहुत ज़्यादा चीज़ों को लाइटली लेना शुरू कर चुके हैं। हमें ये लगता है कि चूंकि हम हर मुकाबला जीत रहे होते हैं, बायलैटरल्स में हम सीरीज दर सीरीज जीत रहे होते हैं, हम बड़े दिन की तैयारी नहीं करते हैं कि हमें कैसे बड़े दिन पर उस वो जो आखिरी फाइनल हर्डल है जो हम नहीं पार कर पा रहे उसको किस तरीके से पार करना है, और एक अप्रोच क्या होनी चाहिए कि किस फॉर्मेट में हमें किस तरीके से खेलना है।
कप्तान साहब तो आपके जो है वो काफी चीजें बोलते हैं कि हम अलग, जब वो कप्तान बने थे उस टाइम पे काफी बयान आया था कि हम 10-3 भी होंगे तो हम वहां से भी रिकवर करके दिखाएंगे, लेकिन वो चीजें नहीं दिखी। तो जो आप बोलते हो वो उसे आप करते नहीं हो, उस चीज को आप एग्जीक्यूट नहीं करते हो, आपकी प्लानिंग में कहीं ना कहीं लैक रहता है और वो लगातार होते रहता है। आप सिलेक्शन कॉल्स आप उठाएंगे जब भी नॉकआउट मैच होता है, इंडिया कहीं हमेशा सिलेक्शन में भूल करती है, हमेशा कोई ऐसी चूक करती है। उन्होंने बाद में आगे और भी चीजें बोली है वो भी बताया था आपको, उन्होंने बोला I expected India to show their batting strength. I saw no bright spot in final, although Ajinkya Rahane fought hard. Go hit on his end. Got hit. उनके हाथ में गेंद भी लगी. Got hit on his end. Shubman Gill looks good when he plays those shots, but he stands on leg stump and is often dismissed bold or caught behind. He has good hands. But he must get behind the ball. Virat Kohli के बारे में बोल रहे हैं. Virat Kohli though he got a brute of delivery from Mitch Stark in first innings. India have some good players mind you, but they have not performed away from home. बोल रहे हैं कि देखिए चाहे आप टीम इंडिया के बल्लेबाजों ने ना तो बैटिंग दिखाई अच्छी तरीके से, वो कॉन्टेस्ट ही देखने को नहीं मिला ना, जिस ऑस्ट्रेलिया को हमने डोमिनेट किया उनके घर में, चाहे हमारे घर में अभी BGT की हम बात कर लें या हमने ऑस्ट्रेलिया में दो जो सीरीज खेली 2018 और 2021 वाली, जहां पर हमने इतनी आसानी से, आसानी तो नहीं बोलूंगा, हमने लड़के जीता वहां पर, उनको बताया कि कैसे आपको आपके घर में हराया जाता है, गाबा का घमंड अपने तोड़ा, हमने दो सीरीज लगातार वहां पर जीती, BGT हमने उनको हराई और WTC फाइनल में तो ऐसा लगा कि मारा पेला और भाई तुम तो कुछ ही नहीं हमारे सामने, में ऐसा लगता है बस एक टीम खेलने आई है, दूसरी टीम तो बस खाना पूर्ति कर रही थी खत्म। तो वही बात ये बोल रहे हैं सर एंडी रॉबर्ट्स के, आपने कोई कॉन्टेस्ट ही नहीं दिखाया। शुभमन गिल के बारे में बोला कि भाई आप जब शॉट खेलते हो तो अच्छे लगते हो, लेकिन आप लेग स्टंप पर खड़े होते हो है ना, और आप जब लेग स्टंप पर खड़े होते हो तो आप टेंटेटिव हो जाते हो कि जब आप खेलने जाओगे शॉट तो या तो आप LBW होगे या फिर आप कॉट बैंड हो जाओगे। तो उन्होंने बातों ही बातों में उनका टेक्निक में एरर भी निकाल दिया। विराट कोहली की फील्डिंग के बारे में भी बोल दिया कि विराट कोहली के हाथ अच्छे हैं, अच्छे फील्डर हैं, लेकिन फोकस भी होना चाहिए वहां पर। और घूम फिर के सारी बातें यही कि आपने लाइटली ली सारी चीजें। और देखिए पहले दिन क्या हुआ, आपको आपके बॉलर्स पर बहुत भरोसा था और होना भी चाहिए कि यार हमारे पास देखो शामी भाई हैं, सिराज हैं और उमेश यादव है, तो ऑफकोर्स अगर किसी के पास ऐसी बॉलिंग लाइनअप होगी तो हम भी बोलेंगे यार भरोसा क्यों नहीं, हम ऑल आउट करेंगे पहले दिन, हम जल्दी ना आउट करेंगे। लेकिन जायज भी था, लेकिन जायज भी था, लेकिन हुआ क्या, हाँ, उसके बाद आपने बॉलिंग की, 3 विकेट आपने ले लिए, उसके बाद आप क्या हुआ, कहीं ना कहीं आपने बहुत ज्यादा ओवरडू करने की कोशिश की कि मैं ये भी कर लेता हूँ, यहाँ से उसको आउट कर दूंगा, वहां से उसको आउट कर दूंगा, आपका जो बेसिक प्लान था वो भूल गए। तब आपको पता लगा था कि इनकी जो परेशानी है, जो कमजोरी है, वो शॉर्ट पिच गेंद है। तो मतलब आपकी प्लानिंग में कहीं ना कहीं चूक हुई कि आपने मतलब ट्रेविस, आपने लाबुशेन के लिए शायद प्लान करके आए थे वहां पे, आप स्टीव स्मिथ के लिए आपने प्लानिंग रखी थी, लेकिन शायद आपने ट्रेविस हेड के लिए स्टडी नहीं किया था कि वो किस तरीके से आउट हो सकती है या उनकी कमजोरी कहाँ पे है। हर एक बल्लेबाज का कोई ना कोई एक वीक स्पॉट होता है, ट्रेविस हेड की वो कमजोरी रही है लेकिन इंडियन टीम ने उसको एक्सप्लॉइट नहीं किया। उसी ट्रेविस हेड को आप देखें जब वो दूसरी पारी में बल्लेबाजी करने आए, वहां पे कितना रन उन्होंने किया था, मुश्किल से 15 रन किया उन्होंने, वो भी जैसे तैसे किया था क्योंकि इंडियन टीम ने पहली गेंद से ही आते ही उन्हें बाउंसर मारा था। तो वो इंटेंट लैक था पहले दिन इंडियन टीम के अंदर। और वो जो आपने कहा था कि कंधे गिर जाना, जब आपने 73 रनों पर 3 विकेट गिरा दिए थे तो आपको वहां पे सामने वाली टीम पर दबाव बढ़ाना चाहिए था, पहले अपने ऊपर दबाव लेना। पहले दिन तो ऐसा हो गया था कि आपने जब 3 विकेट ले लिए, उसके बाद जिस तरीके से लबुशेन को बोल्ड मारा था बिल्कुल भाई ने, उसके बाद जब ट्रेविस हेड आए तो ट्रेविस हेड ने शुरुआत से फर्स्ट बॉल उन्होंने काउंटर अटैक शुरू कर दिया था, उन्होंने आपको ऐसा धुना। अच्छा आप तैयार जरूर होंगे, आपने तैयारी जरूर की होगी किस तरीके से किसको आउट करना है, लेकिन आपने इस चीज की तैयारी नहीं की होगी ट्रेविस हेड इस तरीके से आगे खेलेगा। आपने ये नहीं सोचा होगा कि भाई हमारे साथ ही बेसबॉल हो जाएगा, जबकि हम इंग्लैंड के साथ खेल भी नहीं रहे है ना, आपने ये सोचा ही नहीं था। और दूसरी साइड से स्मिथ का क्या काम था भाई, ट्रेविस हेड मार रहा है मार तू, मैं दूसरी साइड खड़े रहूंगा, इनको मैं थकाऊंगा। अब उस दिन हम ओवरडू भी कर रहे थे क्योंकि 3 विकेट हमने ले लिए भाई, सेकंड सेशन की शुरुआत में लबुशेन को आउट कर लिया, तो हर बॉलर चाहेगा कि भाई जल्दी जल्दी हम विकेट लें। अब हम ओवरडू भी कर रहे हैं, गलत लाइन लेंथ पे गेंदबाजी हो रही है, ट्रेविस हेड लगातार मारे जा रहा है,
उधर से स्मिथ के सामने अच्छी बॉल डाल भी रहे हैं तो उस पर वो चौका लगा दे रहा है, वरना क्या कर रहे हैं वो डिफेंड, आओ हेड भाई आओ मारो, हेड भाई आओ मारो। उन्होंने इतना मार मार के बॉलें खराब कर दी। पहले दिन आपकी जितने आप सोच रहे थे वो सारी चीजें हमारे हाथ से निकल गई। बिल्कुल। तो अब उसके बारे में अब क्या ही इतनी ज्यादा बातें जो है वो, अब तो ठीक है वो पास्ट है, लेकिन हकीकत बात ये है जो सर एंडी रॉबर्ट्स भी बार बार बोल रहे हैं और हर कोई ये बात जो है वो बार बार बोल रहा है, कहीं ना कहीं आपने लाइटली भी लिया, ओवर कॉन्फिडेंस की भी बात आ जाती है यहाँ पर, और एरोगेंस जो है वो जैसे बोल रहे हैं एरोगेंस हैज क्रैप्ड इनटू इंडियन क्रिकेट, जो है वो जकड़ दिया एरोगेंस ने इंडियन टीम को, वही चीज़ें जो है वो यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है। नहीं वही वो भी है, और अब यहाँ से यही है ना कि अब चूंकि आपने गलतियाँ तो काफ़ी कर ली है, अब मतलब आप लगातार आप उठाएंगे तो इंडियन टीम हर एक ICC टूर्नामेंट में मतलब आप अच्छा खेलते हो, लगातार अच्छा खेल रहे होते हैं, पूरे साल इंडियन टीम काफ़ी शानदार खेल रही होती है, कोई भी टीम उनके सामने आती है किसी भी सिचुएशन में आप बड़े आराम से, मतलब अगर कोई यही सीरीज का मुकाबला हो रहा होता मैं डेफिनेटली कहता कि इंडिया अगर 73 मतलब 73 ऑड्स पर आपने अगर 3 विकेट निकाल लिए होते वहाँ पे, और ये अगर कोई नॉर्मल मैच होता मैं लिख के दे रहा हूं वहां पे 280 रनों की पार्टनरशिप नहीं होती, क्योंकि ये वन ऑफ मुकाबला था, अगर आप यहां हारते तो शायद फिर वापसी नहीं थी, तो वो जो एक दबाव होता है ना जो आप बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ले जाते हो वही आपसे गलतियां करवाता है, और यही बार बार इंडियन टीम करती है। पहले तो आप सिलेक्शन सही नहीं करते हो, जहां पे आपको अश्विन को नहीं खिलाना होता है वहां पे अश्विन खेल जाते हैं, और जहां पे मतलब आपको दो स्पिनर्स के साथ जाना होता है वहां पे आप अपने प्राइम स्पिनर को बाहर कर देते हो, जो यहाँ पर दुनिया का नंबर एक गेंदबाज। सही बात है, आप देखिए चाहे आपने कंडीशंस को मद्देनजर रखते हुए बोला कि भाई अश्विन की जरूरत नहीं है, जबकि अश्विन आपके नंबर वन बोलर है। अब आप एक बात बताइए, कंडीशंस के माफिक अगर आप सारी चीजें देखेंगे तो आपका नंबर वन बैटर क्यों हर जगह खेल रहा है? भाई नंबर वन वो इसीलिए ना, उसने हर कंडीशन में अच्छी गेंदबाजी की है। नो डाउट कि जब हम इंडिया में खेलते हैं तो हमारे स्पिनर्स को असिस्टेंस ज्यादा मिलती है, लेकिन अश्विन का आप रिकॉर्ड बाहर भी निकाल के देखेंगे तो खराब नहीं है, बिल्कुल खराब नहीं है, और इनफैक्ट जडेजा से तो बेहतर है, लेकिन जडेजा की जो बल्लेबाजी है वहां पर जड्डू जो है वो नंबर अश्विन से ज्यादा ले जाते हैं। जड्डू क्योंकि एज अ प्रॉपर बैट्समैन, जड्डू को भी हमने वहां पर इंग्लैंड में क्या हुआ था जब फिफ्थ रीशेड्यूल टेस्ट मैच था लास्ट ईयर, वहां पे पंत और जडेजा ने आपको बचाया था 100 बनाकर, तो गेप बल्लेबाजी के लिए हम ओवरसीज जो है वो कंसीडर करते हैं फिर जडेजा को, और उसी में अश्विन जो है वो पीछे रहते, लेकिन अश्विन को देखो यार नंबर वन बॉलर है आपका, नंबर वन टेस्ट बॉलर है आपका, है ना, आप उसे कैसे बाहर रख सकते हो, वो भी WTC फाइनल में, तो वो तो समझ से परे ही था। बट खैर